रामायण, आपने रामायण के बहुत से एपिसोड देखे होंगे, पर इस वीडियो में मैं आपको रामायण की वो बातें बताऊंगा जिन्हें सुन आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएंगे। रामायण क्या है? रामायण एक छोटा सा वृतांत है, उसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रामायण है क्या। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई, पूछा कौन है। मालूम पड़ा श्रुत कीर्ति जी, सबसे छोटी बहू, शत्रुघ्न जी की पत्नी वहां पे चल रही है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुत कीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी, क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुत कीर्ति जी की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई, बोली, माँ उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ, कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई, आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली, आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है, उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोल ली। माँ उठे, चरणों में गिरे, माँ आपने कष्ट क्यों किया, मुझे ही बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी, बोले, माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए और भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देख क्या रहे हैं, देखो क्या है राम कथा, क्या है रामायण? यह भोग की कथा नहीं, त्याग की कथा है, या त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा इसमें। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी 6 वर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते हैं? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़, प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जान ले और उसे संकोच से बाहर कर दे, यही पत्नी धर्म है। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी भी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर के ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे,
लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो काल तो उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं है, उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वह उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक जी की बिटिया ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम त्याग समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम त्याग समर्पण की भावना हो उस मनुष्य में राम ही बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद पुराण गीता रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का सुअवसर आपको मिल जाएगा। किसी ने क्या खूब लिखा है, लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, हो त्याग भरत जैसा सीता जी सी नारी हो, लवकुश के जैसे संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। यदि आप रामायण प्रेमी हैं तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें और अपने विचार भी मुझे बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अपने बहुमूल्य विचार भी बताइएगा कि रामायण से आपने क्या सीखा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी युवाओं के साथ शेयर जरूर करें, जिनसे उनमें भी त्याग और समर्पण की भावना आ सके और वो समझ पाए कि त्याग और समर्पण की क्या पावर है। अतः जय सियाराम, ओम हनुमते नमः।